हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आज के हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मैं एक्सेल की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में चलूँगा। जैसे कि आप यहाँ नीचे में देख सकते हैं, सीट वन, सीट टू, सीट थ्री है। तो इनके ऊपर जब मैं राइट क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई ऑप्शंस दिखाई देते हैं, इनका क्या यूज है आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आज मैं चलता हूँ, जैसा कि आप राइट क्लिक करेंगे और सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं इंसर्ट लिखा हुआ है। ये इंसर्ट से क्या होता है, जैसे कि फ्रेंड्स मैं अभी आप देख सकते हैं यहाँ सीट वन, सीट टू, सीट थ्री है, तो मुझे नेक्स्ट सीट चाहिए होगा। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इंसर्ट पर जब आप क्लिक करेंगे, ओके इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से एक ऑप्शन दिखता है कि आप यहाँ नया वर्कशीट, नया चार्ट, ओके इस तरह से आप ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीन सीट हमारा यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ अभी वर्कशीट आप देखिए, यहाँ क्लिक करिएगा और ओके करिएगा, ठीक है, तो वर्कशीट हमारा फोर मिल जाएगा। उसी तरह से आप राइट क्लिक फिर से करेंगे और इंसर्ट पे जाके यहाँ से ओके करेंगे, तो वर्कशीट पाँच हमको मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से नया वर्कशीट लाने के लिए हम लोग इंसर्ट का यूज़ करते हैं। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो इंसर्ट से ये काम होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिलीट की। देखिए डिलीट क्या होता है कि आप अगर वर्कशीट को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। सपोज़ मुझे वर्कशीट नंबर फोर डिलीट करना है, तो आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ से आप डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे, तो देखिए आपका वर्कशीट डिलीट हो जाएगा। फिर से आप यहाँ से सीट फाइव के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट करेंगे, तो यहाँ से देखिए वो भी डिलीट हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, नाउ तीसरे नंबर पर मैं बात करता हूँ रीनेम की। ओके, तो रीनेम पे आप मतलब क्या होता है कि देखिए शीट वन यहाँ भी है, इसका नाम मैं चेंज करना चाहता हूँ। सपोज इसका नाम मैं यहाँ पे हज़ारीबाग देना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए रीनेम का एक ऑप्शन है। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए रीनेम का एक ऑप्शन आ गया यहाँ पर। आप जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। सपोज़ इसका नाम मैं हज़ारीबाग देना चाहता हूँ, तो यहाँ आप हज़ारीबाग ऐसा दे सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरीके से देखिए नाम भी चेंज हो गया। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, सीट टू को सपोज़ मैं चेंज करना चाहता हूँ, है ना, नाम चेंज करना है, तो राइट क्लिक करना है और यहाँ से आप रीनेम पे जाएंगे। तो जैसे ही रीनेम पे जाएंगे, अब आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। सपोज़ इसका नाम मैं रांची दे सकता हूँ, तो यहाँ से रांची का डेटा आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, यहाँ हज़ारीबाग, यहाँ पर रांची। ओके, तो नाम इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं फोर्थ बात करता हूँ, यहाँ पर मूव एंड कॉपी है। मूव एंड कॉपी का मतलब होता है फ्रेंड्स, देखिए कि हज़ारीबाग वाला शीट अभी सबसे आगे में है, मैं इसको यहाँ से ऐसे होल्ड डाउन पकड़ के माउस को, ऐसा माउस को पकड़ के मैं यहाँ आगे ये कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि हज़ारीबाग ये नंबर थर्ड में चला है फ्रेंड्स। तो ये मूव और कॉपी करके आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं रांची को सेकेंड नंबर पर रखना है, तो ये आप देख सकते हैं मेरे साथ एक पॉइंटर के साथ क्या एक कॉपी टाइप का आइकॉन जा रहा है, आप इसे छोड़ देंगे तो ये भी मूव कर जाता है फ्रेंड्स। तो इसको मूव और कॉपी हम लोग कह सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट मैं बात करता हूँ प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ कुछ भी लिखूँ तो मैं लिख पा रहा हूँ, किसी भी डेटा को यहाँ से आप लिख सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा कि राइट क्लिक करने के बाद ये रांची वाले ऑप्शन में मैं चाहता हूँ ये रांची वाला शीट जो है इसको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करके और आप इस पे यहाँ जाएंगे प्रोटेक्ट सीट पे। ओके, जैसे ही प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का प्रोटेक्शन संबंधी ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट सीट, आप यहाँ से पासवर्ड सेट कर दीजिए। जैसे मैं सेट करता हूँ, ये मैंने कोई पासवर्ड सेट किया है। ओके करने पर फिर से देखिए यहाँ एक ऑप्शन आता है कि री इंटर पासवर्ड टू प्रोटेक्ट, आप फिर से यहाँ पर पासवर्ड डाल सकते हैं और ओके कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे अब आप कुछ भी चीज़ को लिख नहीं सकते हैं। देखिए किसी भी तरह का आप इसमें लिख नहीं पाएंगे, या किसी सेल को जो लिखा हुआ है पहले से उसको आप डिलीट भी नहीं कर सकते हैं, चेंज भी नहीं कर सकते हैं। ये पासवर्ड आपका प्रोटेक्ट हो गया है। ओके, ये सीट जो है वो पूरी तरह से पासवर्ड से प्रोटेक्टेड हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि इसमें कुछ लिखा जाए, तो आप फिर से राइट क्लिक करेंगे और अब यहाँ आप अनप्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही अनप्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे, ये आपको पासवर्ड मांगेगा कि प्रोटेक्शन के समय आपने जो पासवर्ड दिया था आप यहाँ फिर से डालिए। सपोज़ मैं फिर से डाल रहा हूँ और यहाँ से आप ओके करेंगे, अब आप देखिए ये अनप्रोटेक्ट हो चुका है, अब आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोग अनप्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन दोनों चीज़ों के बारे में सीख लिया फ्रेंड्स।
ओके, मैं नेक्स्ट आगे बात करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं टैब कलर का ऑप्शन है। ओके, टैब कलर भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप देखिए कि शीट 3 रांची और ये हज़ारीबाग, ये देखिए लगभग एक ही कलर के ये सभी दिख रहे हैं। तो आप थोड़ा शीट को यूनिक दिखना चाहते हैं, है ना, लगे कि यूनिक हमें दिखाना है, तो आप यहाँ से टैब कलर में जाके कोई भी एक कलर को आप चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं रांची शीट पे हूँ और आप यहाँ पे मैं टैब कलर में रेड ले रहा हूँ, देखिए तो रांची वाला शीट जो है वो रेड कलर का हो चुका है। उसी तरीके से मैं चाहता हूँ हज़ारीबाग वाले शीट को मैं ग्रीन कलर का कर दूँ, तो यहाँ से आप ग्रीन भी सेलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए आपका टैब कलर का ये ग्रीन हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से रांची को रेड कर दिया हमने, हज़ारीबाग यहाँ जो शीट है उसको मैंने ग्रीन कर दिया। अब आप शीट 3 वाले को भी चेंज कर सकते हैं, तो राइट क्लिक करके आप इसका कलर से, यानी आप येलो ब्लू, मैं यहाँ पर ब्लू ले रहा हूँ, देखिए तो यहाँ से आप इसको ब्लू भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कमाल की चीज़ें हैं, आप टैब कलर से यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट मैं आपके बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए हाइड है, एक हाइड का ऑप्शन है, इसको मैं बात करता हूँ। जैसे फ्रेंड्स रांची वाले शीट को मैं यहाँ से डिलीट नहीं, हाइड करना चाहता हूँ। हाइड मतलब कुछ समय के लिए इसे छुपा देना चाहता हूँ। ओके, तो आप क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ से हाइड का एक ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा फ्रेंड्स। उसी तरह से आप हज़ारीबाग वाले ऑप्शन को भी, यहाँ जो दिख रहा है शीट, इसको भी आप हाइड कर सकते हैं। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, अब क्वेश्चन है कि क्या सभी सीटों को हाइड किया जा सकता है? नहीं, कम से कम एक शीट आपको रहना चाहिए। देखिए आप यहाँ एक ही शीट देख रहे हैं, अभी मैं इसको डिलीट करूँगा ना, हाइड करूँगा, तो ये देखिए क्या बोलता है, आ वर्कबुक मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन विजिबल वर्कशीट। ओके, तो यहाँ पे एक सीट कम से कम दिखाई देते रहना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, हाइड करना सीख गया फ्रेंड्स। तो अब मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको अनहाइड करके फिर से वापस भी ला सकता हूँ। देखिए अनहाइड करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, रांची को अनहाइड करना चाहते हैं या फिर हज़ारीबाग को, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो वापस आ जाएगा। फिर से राइट क्लिक कीजिए और अनहाइड पे जाके आप हज़ारीबाग को भी अनहाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे हाइड अनहाइड करना वगैरह सारे चीज़ों के बारे में आपने सीखा। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।